पिछले साल मुझे काफी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हम नवरात्रि की वीगन रेसिपीज बनाते हैं। तो पिछले साल तक तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं फास्टिंग नहीं करती, पर इस साल मैंने आप लोगों के लिए खास तौर पे एक्साइटिंग सीरीज तैयार की है। ये जो सीरीज है इसमें मैं आपके साथ 7 रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ जो कि सारी वीगन हैं, और मुझे नहीं पता मुझे कितना डिस्क्लोज करना चाहिए इस बारे में, पर इसमें आपके लिए स्नैक भी होगा जो आप चाय के साथ खा सकते हैं जो कि वीगन होगा, और हमने साथ में इसमें दही का इस्तेमाल भी किया है जो कि वीगन होगा, और हमने खीर भी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें जो नवरात्रों पे इस्तेमाल होती हैं जैसे साबुदाना की टिक्की, पूरी, आलू पनीर, दही का रायता या खीर, ये सब हमने शेयर किया है वीगन वीगन उसकी वर्जन बना के। ये सारी रेसिपीज आपके साथ हर रोज़ एक रेसिपी हम रिलीज करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो रेसिपीज हैं ये तीनों चैनल्स पे जाएंगी, यानी कि पीपल फार्म प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पे, पीपल फार्म प्रोडक्ट्स फेसबुक पे, और साथ ही साथ यूट्यूब पे। जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पे नहीं जुड़े हुए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीपल फार्म प्रोडक्ट्स के नाम से ही है। पीपल फार्म के चैनल्स अलग हैं और पीपल फार्म प्रोडक्ट्स के चैनल्स अलग हैं। तो लोग जो लोग वीगन रेसिपीज में दिलचस्पी रखते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को पीपल फार्म प्रोडक्ट्स के नाम से सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें, उस पे हम ये रेसिपीज शेयर करेंगे। तो जैसा मैं कह रही थी कि हर रोज एक रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लगभग जैसे मैंने बताया कि 6 रेसिपीज हैं जो आप जिसमें व्रत का खाना खाने की रेसिपी है, तो आप उसमें चाट भी है, खीर भी है, और जो लास्ट अष्टमी या नौवीं जो लोग पूछते हैं उसके लिए मैंने प्रसाद भी बनाया है वो भी वीगन। थैंक यू विश्व जी। हाँ जी, मैंने रील में मैंने अभी कल परसों एक रील डाली थी जिसमें मैंने एक झलक शेयर करी थी रेसिपीज की आप लोगों को तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हम लोग वीगन नवरात्रों की रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो, और अगर देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी रेसिपीज हम शेयर कर रहे हैं। मैंने इस बार जो पनीर बनाया है वो खास तौर पे एक्साइटिंग है क्योंकि वो पनीर आप नवरात्रों में खा सकते हैं और वो सोए से नहीं बना। एक क्वेश्चन है आरुषि से, मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी कौन सी है आने वाली रेसिपीज में से? मेरे को लगता है कि खीर बहुत स्वाद बनी थी, और वैसे तो हमने टिक्की भी बनाई थी साबुदाना की, वो भी बहुत स्वाद बनी थी। सिर्फ टिक्की नहीं बनाई थी, उसको हमने चाट में कन्वर्ट किया था जिसमें दही का इस्तेमाल हुआ है जो कि वीगन है। तो मेरी ये दोनों फेवरेट है, पर खीर मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, पर ये खीर वाकई बहुत स्वाद बनी थी क्योंकि इसे हमने खजूर से बनाया था, इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं हुआ ना ही गुड़ का इस्तेमाल हुआ है, इसको हमने खजूर से मीठा किया था। इसका रंग बहुत अच्छा आया है और इसका टेस्ट वाकई बहुत स्वाद था। आप इसे अगर वैसे भी अगर आप फास्टिंग नहीं भी करते तो ये व्रत का जो खाना है, मैंने शायद कहीं लिखा भी था कि ये बहुत हेल्दी होता है। जैसे मौसम ठंडा हो गया तो जो कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है या समा के चावल हैं, इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी हाई रहती है जो आम खाना खाते हैं उससे भी। तो अगर आप फास्टिंग नहीं भी करते तो अगर इन खानों को सही तरीके से बनाया जाए, मेरे घर में जनरली जब व्रत रखे जाते हैं तो उसमें काफ़ी डीप फ्राइंग की जाती है, आलू को फ्राई कर दिया जाता है, पूड़ी बनाई जाती है, पर अगर इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर आप कम फ्राई वाली चीज़ें बनाएं तो मुझे लगता है कि आप ये पूरी सर्दियाँ खा सकते हैं। मैं जनरली रोटी, कुट्टू के आटे की रोटी आप बना सकते हैं, समा के चावल बहुत हेल्दी होते हैं, उसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां डाल के बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 7-8 दिन बाद आप व्रत का खाना नहीं खा सकते, ये रेसिपीज़ आप आगे पूरी सर्दियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको बना सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी होती हैं। बट अगेन फ्राइंग का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि मैं पर्सनली फ्राई की हुई चीज़ें पसंद नहीं करती, उससे हम लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, हैवीनेस लगती है। इसीलिए व्रत एक्चुअली किया जाता है क्लेंजिंग के लिए, और जो ये जो मैं फास्टिंग करती हूँ वह क्लेंजिंग के लिए करती हूँ। मैं नवरात्रों का व्रत अब नहीं रखती क्योंकि जब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी तो वो मेरे खाने को देख लेती थी और मैं काम कर पाती थी, अब दोनों करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप व्रत
रख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इन रेसिपीज को ट्राई करें। इसमें मैंने फ्राई किया है, पर अगर आपके पास अवन है या आपके पास ग्रिल है, उन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हुए हेल्दियर लाइटर वर्जन बना सकते हैं इन वीगन रेसिपीज का। इसके अलावा कि हम पल्प कैसे यूज़ करते हैं, जब हम मिल्क बनाते हैं कोई प्लांट बेस्ड, तो उसके पल्प का क्या करते हैं। अब जैसे हर प्लांट बेस्ड मिल्क तरह तरह की अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेरा सोचना है। जैसे कोकोनट मिल्क, कैश्यू मिल्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है जब आप खीर बनाते हैं, पर अगर आप कॉफ़ी बना रहे हैं तो या चाय बना रहे हैं तो उसमें कई लोगों को कोकोनट फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो चाय में थोड़ा ओवरवेलमिंग टेस्ट करता है, तो उसमें हम ओट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से जो पल्प है उसके भी डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे आप अगर आलमंड मिल्क का पल्प बच गया तो आप उसकी कुकीज़ बना लीजिए, ओट मिल्क बनाया और उसका पल्प बच गया है तो आप उसके पैनकेक्स बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, मीठे भी बना सकते हैं। कोकोनट मिल्क बनाया और उसका पल्प बच गया है तो आप उसके लड्डू बना लीजिए। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मिल्क बनाया है और उसका आप क्या बना सकते हैं। आप क्रिएटिव तरीके, जैसे आलमंड मिल्क की आप मफिन्स भी बना सकते हैं, आलमंड मिल्क के बाद जो पल्प बच जाता है उसके आप मफिन्स भी बना सकते हैं, मीठी ब्रेड्स भी बना सकते हैं। सो क्रिएटिव तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी रीजनल रेसिपीज होती हैं, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी नाम भूल रही हूँ, एक हमारी फॉलोअर है, उन्होंने बोला कि वो जो पल्प है उसको अपनी सब्जी में डाल लेती हैं और वो सोए पल्प जो है उसको डालने के बाद नटेला जो होता है ना, न्यूट्रेला, मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं, सोए जो टुकड़े होते हैं उसका जैसा टेस्ट आता है और वो थिक कर देता है ग्रेवी को, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। कई लोग चटनी बनाते हैं, हमने हाल ही में चटनी बनानी शुरू की है पल्प को इस्तेमाल करते हुए। जब मैं कोकोनट मिल्क बनाती हूँ तो उसका जो पल्प बच जाता है उसकी आप चटनी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है। हाँ जी प्रियंका जी, ये तो आपका सही सजेशन है। प्रियंका जी कह रही हैं कि जो हमारी रेसिपीज हैं वीडियो के साथ साथ अगर हम उसको ब्लॉग फॉर्म में भी अवेलेबल करें, ये अच्छी, आपने अच्छा मुझे आइडिया दिया। मैंने ये सोचा था पर इम्प्लीमेंट करते करते रह गया मुझसे, तो मेरे को बात करनी पड़ेगी अपनी टीम से कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हमारा ब्लॉग रिवाइव कर सकते हैं या हम अपनी ये रेसिपीज़ के लिए अलग से एक वेबसाइट पे इनको अवेलेबल कर सकते हैं ताकि आप इन्हें प्रिंट कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू प्रियंका, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं इसे नोट भी कर लेती हूँ कहीं पर। मैंने कुछ रेसिपीज शेयर करी हैं पल्प को इस्तेमाल करते हुए, आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। पीपल फार्म प्रोडक्ट्स का अपना YouTube चैनल है जहाँ पे सारी वीगन रेसिपीज शेयर होती हैं, तो वहाँ पे मैंने हाल ही में पल्प का इस्तेमाल करते हुए रेसिपीज शेयर करी हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है, आप कोई खास तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। हेयर कलर के बारे में भी मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि हम हेयर कलर क्या बेचते हैं। नहीं, अभी हम हेयर कलर नहीं बेचते, परंतु आप उसे घर पे बना सकते हैं हिना और इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल करते हुए। वीगन मिल्क बनाना मुश्किल नहीं है। मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे, कहानी वाली शिवानी मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उस पर मैंने टाइमर के साथ एक वीगन मिल्क की रेसिपी शेयर करी थी और मेरे ख्याल से हमने अंडर 2 मिनट्स में आधा किलो दूध बना लिया था ओट्स का इस्तेमाल करते हुए। आप आकाश, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे जाइए, कहानी वाली शिवानी इंस्टाग्राम पे, ये चैनल है मेरा, सॉरी अकाउंट है मेरा अपना, उस पर मैंने ये रेसिपी शेयर करी थी। आपको कुछ नहीं करना होता ओट मिल्क बनाना, अगर आप चाय बनाते बनाते भी पता चलता है आपको कि आपका मिल्क नहीं है, प्लांट बेस्ड मिल्क आपके घर में नहीं है, तो आप उसी समय बना सकते हैं। तो आप एक बार प्लीज ये देखिएगा, सिर्फ ओट और मिल्क को आपने, जो बाजार में केलॉग्स के ओट्स मिलते हैं ना, उनको और पानी को इकट्ठे ब्लेंड कर लीजिए और एक छन्नी के साथ जिससे आप चाय छानते हैं उसके साथ छान लीजिए और दूध तैयार हो जाता है। आप प्लीज एक बार इसे ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हर्ष जी कह रहे हैं कि सोए पनीर हम नवरात्रों में नहीं खा सकते, बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए मैंने मूंगफलियों से पनीर बनाया था नवरात्रों की रेसिपी, जो आप रेसिपीज देखेंगे आने वाले हफ्ते में। मुझे मालूम है कि मूंगफली से काफ़ी लोग एलर्जिक हैं,
पर जैसे मैंने बोला धीरे धीरे मैं और रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो इस नवरात्रे तो मैं आपके साथ मूंगफली से बना हुआ पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर्ष जी। आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में आप लोगों के सजेशन से मैं और रेसिपीज ट्राई करती रहूंगी। एब्सोल्युटली सपना जी, आइडिया हमारा यही है कि वी अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि वीगन होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप बहुत बेसिक चीज़ें खाएं। जैसे अब नवरात्रों का जो हम रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कल से, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही था कि हर चीज़ को वीगन तरीके से बनाया जा सकता है, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। और क्योंकि हम बहुत टाइम से एक ही चीज़ बना रहे होते हैं ना, दही सिर्फ गाय के दूध से ही बना रहे होते हैं जैसे, तो थोड़ा सा चेंज करना लाइफ में शुरू शुरू में मुश्किल होता है, पर पॉसिबल है। तो इसी तरह से सपना जी, हमारे प्रोडक्ट्स का मुद्दा भी यही है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि वीगन प्रोडक्ट्स ना सिर्फ हेल्दी होते हैं पर वो टेस्टी भी होते हैं। तो अगर आप आपका प्रोडक्ट का कोई अपना स्टोर है आपके शहर में या आप खोलना चाहती हैं तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। शिवानी सिंह हमसे पूछ रहे हैं कि ओट मिल्क की स्टिकीनेस कैसे कम करें। मैंने इसको अपने YouTube चैनल पर शेयर की थी इसकी रेसिपी, और उसके दो तरीके आपको बताए थे शिवानी जी। वो ये, एक तरीका तो ये है कि जब आप ओट्स और पानी को मिक्सी में डालें तो साथ में कुछ एक कटोरी बर्फ भी डाल दीजिए, उससे आपका जो तैयार किया हुआ मिल्क है वो कभी भी स्टिकी नहीं बनेगा। ओट मिल्क स्टिकी तब होता है जब उसको बहुत देर तक ग्राइंड किया जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ग्राइंडर चलाते हैं तो अंदर वाली जो आपके जार के अंदर जो सामान होता है वो गर्म हो जाता है, उसकी वजह से ओट मिल्क स्टिकी हो जाता है। बर्फ से हेल्प मिलती है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाए और वो स्टिकी नहीं होता। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि उसको कम ब्लेंड करें। ओट्स और पानी को जब आपने डाला तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक के लिए मिक्सी को मत चलाए रखें, उससे भी आपका जो ओट मिल्क है वो कम स्टिकी बनेगा। अदरवाइज जो ये मैंने आपको आइस क्यूब्स की बात बोली वो तो बिल्कुल काम करता है, या रामबाण की तरह आप उसमें एक कटोरी बर्फ डाल दीजिए और वो दूध स्टिकी नहीं बनेगा। ओट मिल्क मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है जब हम चाय की बात करते हैं कि चाय में हम कौन सा प्लांट बेस्ड मिल्क यूज़ करें, तो ओट मिल्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि उसका अपना जो टेस्ट है वो बहुत ही न्यूट्रल है, वो कोकोनट की तरह कोकोनटी नहीं होता, आपकी चाय के फ्लेवर को ओवरवेल नहीं करेगा। कोई हमसे पूछ रहे हैं कि डेली कंजम्पशन ऑफ ओट मिल्क इज नॉट गुड फॉर द स्टमक। देखिए हर किसी का अपना अपना किसी को सूट करती है कोई चीज़, और वो बात हर चीज़ पे लागू होती है। जो आपको सूट करता होगा हो सकता है मुझे ना करता हो, वाइस वर्सा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। और प्लांट बेस्ड मिल्क की ब्यूटी ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है सिर्फ ओट मिल्क ही पीना है, आप सोया मिल्क बना सकते हैं, कई बार बादाम का दूध बना सकते हैं, कई बार नारियल का दूध बना सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं इसको, कभी आप मूंगफली का, कभी आप चावल का भी दूध बना सकते हैं। तो आप ट्राई करते रहिए डिफरेंट डिफरेंट मिल्क्स की रेसिपी और देखिए आपको क्या सूट करता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी फ्लेवर चेंज करने के लिए मिल्क जो वैरायटी है उसको भी चेंज कर सकते हैं। वीगन चीज़ की रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं अपने चैनल पे, यूट्यूब पे, पीपल फार्म प्रोडक्ट्स पे। हमने वीगन चीज़ की दो रेसिपीज शेयर करी हैं, हाल ही में एक डाली थी, आप वो चेक करिएगा। प्लांट बेस्ड मिल्क को आप 5 से 7 दिन तक के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता इसलिए वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और उसका टेस्ट तभी तक सही रहता है 4-5 दिनों तक, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए कि 4-5 दिन में आप उसे यूज़ कर लें। एक बारी और रिमाइंड कराना चाहूँगी कि कल से हमारे नवरात्रि स्पेशल सीरीज शुरू हो रही है, हम हर रोज़ एक रेसिपी आपके साथ नवरात्रि स्पेशल शेयर करेंगे। तो आप हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पे पीपल फार्म प्रोडक्ट्स चैनल है, इंस्टाग्राम पीपल फार्म प्रोडक्ट्स जिस पे आप ये लाइव वॉच कर रहे हैं, और फेसबुक पे पीपल फार्म प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए। और लाइव के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप छोड़ दीजिएगा, मैं पर्सनली उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर संडे, बाय।